Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see event handlers in React.js. जी हाँ गाइस, तो आज का बहुत ऑसम होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको फाइनली इवेंट्स हैंडलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे मालूम है। सो गाइस, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे। बहुत ऑसम तरीके से मैंने डेफिनेशन रखा है जहाँ पे सिंपल है। इवेंट हैंडलिंग React.js में एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कैप्चर करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं यूजर के इंटरेक्शन को बेस्ड ऑन देयर क्लिक्स, कीस्ट्रोक या जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो Within a React application, ठीक है। यहाँ पे अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, एंड आई थिंक ये अगर आप समझ जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। एंड दैट इज, आप बहुत क्लियर देख सकते हो, इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट जेस, ठीक है, फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न टू द स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग बट विथ सम की डिफरेंसेस। जो हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स हमने जैसे पढ़ा है, जाना है, ठीक है, सेम रिएक्ट में भी वही है बट विथ सम फ्यू माइनर डिफरेंसेस सच एज यूजिंग सिंथेटिक इवेंट फॉर क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबिलिटी। ये आपको समझना जरूरी होगा कि इन जावास्क्रिप्ट आप जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हो उसमें बाय डिफॉल्ट हमें इवेंट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, बट इन रिएक्ट इंस्टेड ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट आपको मिलता है क्या, सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट, विच इज नथिंग बट रिएक्ट का एक रैपर है ओवर योर एक्चुअल इवेंट जो हमें जावास्क्रिप्ट दे रहा था। एंड वो क्यों देता है, मैं यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो, फॉर क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट इवेंट हैंडलिंग अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ब्राउजर। बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी व्हाट इज सिंथेटिक बेस्ड इवेंट इन रिएक्ट.js। आई नो अभी तक शायद आपने कभी सुना ना हो, आज तक कभी किसी ने बताया भी ना, बट मैंने कहा था हमारा ये वर्ल्ड बेस्ड रिएक्ट कोर्स है जहां पे आपको अब पता चलेगा व्हाट इज दिस सिंथेटिक बेस्ड इवेंट। एंड आपको पता चल चुका है रिएक्ट रैप्स द नेटिव ब्राउजर इवेंट्स इन समथिंग कॉल्ड सिंथेटिक इवेंट। आप समझ रहे हो, When you handle events in React like clicking a button or typing in an input box, तो React जो एक JavaScript या जो native जो events रहता है उसको wrap कर देता है into something called synthetic event, and उसके पीछे का major reason ये है, React make sure करना चाहता है कि आप जब भी event कुछ perform कर रहे हो event handling, तो across all the browsers है ना, वो सभी common रहे, कहीं पे भी ऊपर नीचे ना हो, समझ रहे हो, तो वो compatibility issue ना हो। फॉर दैट रीजन वी हैव सिंथेटिक इवेंट इन React.js, ठीक है। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ। सो आपके माइंड में आता होगा भाई इवेंट तब से बात करा, क्या है इवेंट, लाइक वी हैव ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन माउस एंटर, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, तो ये सारे आपके इवेंट्स है। एंड हियर आर फ्यू रूल्स कि आप इवेंट्स को कैसे लिख सकते हो, वॉट आर द नेमिंग कन्वेंशन, वट आई मीन जब आप फंक्शन करो तो देन फंक्शन नेमिंग कन्वेंशन क्या है एंड ऑल बेस्ड ऑन योर इवेंट हैंडलिंग उसके बेस पे, ठीक है। तो जैसे कि बताया गया वी नीड टू हैव दिस कैमल केस, हमें क्या होना चाहिए गाइस, कैमल केस होना चाहिए। इवेंट नेम्स इन जेएसएक्स शुड बी रिटन इन अ कैमल केस, ये मेक श्योर करना है। आप देख ही सकते हो ना यहाँ पर, देखो ना, ऑन क्लिक में सी कैपिटल है, फिर ऑन चेंज में सी कैपिटल है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। एंड दूसरा ये मेक श्योर करना है, प्रीफिक्स विथ ऑन इवेंट हैंडलर शुड बी प्रीफिक्स, आई मीन जब भी आप रिएक्ट में अगर इवेंट यूज करना चाहते हो देन आपको प्रीफिक्स ऑन लगाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो भी लिखोगे वो आपका कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर। सो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है जहां पे एक तो ये कैमल केस है एंड प्रीफिक्स में आपको ऑन लिखना ही पड़ता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर फंक्शंस, एंड डोंट वरी, अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूँ, आप देख सकते हो कि इट इज अ कॉमन कन्वेंशन, एक कॉमन कन्वेंशन है बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे टू प्रीफिक्स इवेंट हैंडलर फंक्शन विथ हैंडल टू क्लियरली इंडिकेट दियर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हो हैंडल क्लिक, आप जब कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो लाइक ऑन सबमिट है ना, अभी मैं बताता हूँ बट आप समझिए, हैंडल चेंज, हैंडल सबमिट, इस तरीके से। डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, फंक्शन नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्ट व्हाट द फंक्शन डज, फॉर एग्जांपल हैंडल फॉर्म सबमिट, जब भी आप कोई फॉर्म बना रहे हो, लॉगिन फॉर्म जब किसी ने सबमिट किया तो आपको कैसे लिखना है, ऑन सबमिट, तो आपका चलो ये हो गया ऑन सबमिट, आपको पता चल गया कि आपको इस इवेंट को फायर करना है, ये वाला जो इवेंट दिखाई दे रहा है इसको फायर करना है। एंड उसका जो फंक्शन का नाम दोगे ना, प्रीफिक्स होना चाहिए आपका हैंडल कीवर्ड से, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, लाइक आप खाली हैंडल सबमिट इस तरीके से ये नहीं कर सकते, आपको हैंडल फॉर्म सबमिट, आप किसको सबमिट कर रहे हो, हैंडल फॉर्म सबमिट एक डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो आई होप इतना कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मजा आया होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। एंड एक चीज मैंने ये नोटिस की है, अभी भी मेरा 4 साल पहले वाला रिएक्ट कोर्स लोग फाइंड आउट कर रहे, देख रहे, रेदर देन मैंने अभी जो रिसेंटली स्टार्ट किया रिएक्ट कोर्स की, तो इसका मतलब ये कि गाइस आप लोगों ने शेयर किया या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 साल पुराना वीडियो अभी भी लोग ज्यादा देख रहे हैं, जबकि ये लेटेस्ट मैंने बनाया इससे कहीं गुना बेटर है, बट स्टिल लोग इसको कम देख रहे हैं। तो आई नो ये यूट्यूब की एल्गोरिथम है,
बट आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए गाइस। आप खाली देखते हो और छोड़ देते हो, ऐसा एटलीस्ट लाइक कमेंट या कुछ शेयर तो कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, ऑल राइट, तो हम चलते हैं हमारे कोड पे। तो एक देखो, मैंने एक न्यू सीएसएस का फाइल बना रखा है, लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इसको देखिए समझिए, है ना, क्योंकि ये सिर्फ सीएसएस है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज सीएसएस, तो गाइस ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ड सीएसएस कोर्स बना चुका हूँ। इवेंट्स के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना हो तो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड बेस्ड जावास्क्रिप्ट कोर्स ऑलरेडी है, प्लीज यहाँ पे जो इवेंट्स वाला जब चैप्टर्स आएगा आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो बैक टू आवर कोड, एंड यहाँ पे कंपोनेंट्स में मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने ना इवेंट हैंडलिंग डॉट जेएसएस लिखा है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे चलते हैं, इसको पहले मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना, कॉन्स्ट। तो आप यहाँ पे आ जाइए, इवेंट हैंडलिंग इस तरीके से सिंपल, है ना, या ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करते हैं इस तरीके से एंड इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं एक बटन ले लूँ जिसपे ऑन क्लिक में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस बटन पे जब भी कोई क्लिक करे मुझे एक इवेंट को फायर करना है, एंड दैट इज योर इवेंट हैंडलिंग। एंड हमने देखा कि अगर आपको इवेंट करना है देन प्रीफिक्स कैसे होगा, इवेंट का क्या नाम है, आपको ऑन प्रीफिक्स यूज करना है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ इवेंट्स नेम, आप देख सकते हैं बेस कोड में ऑटोमेटिक सजेशन आता है, मुझे ऑन क्लिक चाहिए होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये ऑन क्लिक मुझे कैसे पता चला, तो ऑब्वियसली ऑफिशियल जो पेज है इनका React का, वहां पे पूरा इन्होंने दिया हुआ है, लिंक में शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स उस पर भी है, तो आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था मेरा इवेंट का नाम, दिस इज माय इवेंट, एंड दैट इज ऑन क्लिक, जब भी मैं इस बटन पे करूँ क्लिक। अब जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है, एंड उस फंक्शन में मुझे कुछ चीजें डिफाइन करनी है कि जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक तो कौन से ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने होंगे। अब हमने ये देख लिया था कि फंक्शन का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो इस तरीके से है कि आपको हैंडल लिखना पड़ेगा पहले। अब ये कोई गाइस ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक सिस्टम की इस तरीके से आप कर सकते हो, जहां पे मैं एक बटन के साथ खेल रहा हूँ, हैंडल बटन क्लिक, आप इस तरीके से लिख सकते हो, या हैंडल क्लिक भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाउ आपने एक इवेंट को डिफाइन की ऑन क्लिक, ठीक है, एंड जब भी कोई आप इस बटन पे क्लिक करेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है ऑब्वियसली हमने सिर्फ इसका रेफरेंस यहाँ पे पास की हुई है, मुझे इस फंक्शन को अब डिफाइन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बता भी रहा है हैंडल बटन क्लिक इज नॉट येट डिफाइंड, ठीक है, हम लेट्स डिफाइंड आवर फंक्शन, सो कॉन्स्ट, है ना। अब ध्यान से देखना कि ये जो पार्ट है ये भी एक फंक्शन ही है, एंड दैट इज योर फैट एरो फंक्शन, मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ ये भी एक फंक्शन ही है। सो वी हैव अ फंक्शन हैंडल, एक सेकेंड, हैंडल बटन क्लिक, एंड यहां पे मैं चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, लेट्स अलर्ट, हे आई एम ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करो, चलो ठीक। अब ये जो इवेंट हैंडलिंग है मुझे यहां पे लगेगा, ठीक है। सो मैं यहां पे चलता हूं, इवेंट हैंडलिंग, इसको क्लोज कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको भी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। सो इस पार्ट को भी मैं यहां से हटा दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव दिस मच पार्ट, एंड ये जो ev.css है मैं यहाँ पे एकदम टॉप पे इसको इस तरीके से करके import.forward/ वी हैव दिस ev.css, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, थोड़ा सा css दिखे आपको भी अच्छा लगे। सो लोकल होस्ट 5174, है ना, तो ये अबाउट पेज मुझे नहीं चाहिए, वी हैव दिस मच पेज, ठीक है। अब द मोमेंट इज क्लिक मी पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस, हे आई एम ऑन क्लिक इवेंट, देखो हे आई एम ऑन क्लिक इवेंट, मुझे लाइक दिस इज योर इवेंट, जावास्क्रिप्ट में भी हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। सो गाइस ये था आपका इवेंट, बट दिया आप डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू आप ये कर सकते थे, लाइक सबसे पहले बात तो ये हमने की, ठीक है। एंड ये जो तरीका मैंने अपना ये ट्रेडिशनल फंक्शन था जो हम करते थे, इसको अब मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आपको फैट एरो फंक्शन से यही चीज दिखा रहा हूँ, हैंडल बटन क्लिक कैसे आप कर सकते हो, एंड इसी को कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट, ठीक है। So, इसको हटाया एंड देन मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जस्ट मैंने एक चीज चेंज किया, एंड दैट इज फ्रॉम ट्रेडिशनल फंक्शन टू फैट एरो फंक्शन में गया, एंड स्टिल अगर इसको मैं रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, बट अगर मैं क्लिक करता हूं आई एम गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट, ठीक है, एक चीज हो गया। बट आपको ये तो मालूम है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कोई भी इवेंट हम इस तरीके से डिफाइन करते थे, तो एक चीज जरूर था कि मुझे यहाँ पे ना इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, वहां पे भी हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता था,
लेट्स चेक इट आउट. यहाँ पे जब मैं इस इवेंट ऑब्जेक्ट को अगर कंसोल करता हूँ देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. ठीक है, अब लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आपको क्या लग रहा है. अगर आपने जावास्क्रिप्ट के साथ काम किए तो आपको लग रहा हो कि मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट इन रियलिटी क्या होता है आप देखिएगा. ठीक है, अगर क्लिक करता हूँ सो हे आई एम ऑन क्लिक इवेंट, दैट्स फाइन, बट बूम गाइस सी. सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड टू गिव फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ये जो भी वर्ड है, एंड दैट इज योर सिंथेटिक बेस इवेंट. क्लियर हो गया. अभी हमने जो थ्योरी में पढ़ी थी, अभी मैं अगर थ्योरी नहीं बता तो आपके माइंड में कभी कुछ होता भी नहीं. अच्छा ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी कैजुअल एटीट्यूड होती, बट नाउ अब आपको पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट में ये आपको नहीं मिलता, बट इन रिएक्ट दो वी आर गेटिंग इवेंट ऑब्जेक्ट, बट जब हम उसको कंसोल करते हैं हमें पता चलता है वो एग्जैक्टली इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, रिएक्ट ने उसको एक रैपर के अंदर रखा हुआ है, एंड दैट बिकम्स योर सिंथेटिक बेस इवेंट, ताकि इट विल मेक श्योर कि हमारे ये जो भी इवेंट्स हम यूज कर रहे लाइक अक्रॉस ऑल दी डिवाइसेस एकदम अच्छे से परफॉर्म करे, लाइक सिमिलर परफॉर्म करे. ठीक है, क्रॉस ब्राउजर कंपेटेबिलिटी के चक्कर में. तो ये आपको मेक श्योर करना था कि दिस इज योर सिंथेटिक बेस इवेंट. अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया व्हाट इज दिस सिंथेटिक बेस इवेंट एंड ये आपको कब मिलता, आप बोल सकते हो सिंपली इस तरीके से, जब हम इवेंट को कंसोल कर देंगे बाय डिफॉल्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट वी आर गेटिंग सिंथेटिक बेस इवेंट इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन. सो आई होप गाइस आपको सिंथेटिक बेस इवेंट फाइनली दिख गया क्या होता है. अब हम और भी चीजें कर सकते थे, लाइक वी हैव अ इवेंट डॉट टारगेट, लाइक सेम वहां पे जो होता था. ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं. और कुछ है यहाँ पे, या वी हैव दिस इवेंट डॉट टाइप भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, इट्स लाइक योर ट्रेडिशनल इवेंट. बट देखो ओके सो ये देखो टारगेट ये था हमारा, राइट, दिस इज द टारगेट. इस बटन को मैंने टारगेट की, टाइप क्या था मेरा, इट्स अ क्लिक, एंड ये कंसोल करने पे सिंथेटिक बेस इवेंट. ऑलराइट, आपको इतना पता चल गया. सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप लिख सकते हो. तो जो दूसरा तरीका वो है गाइस आपका फैट एरो फंक्शन. सेम फंक्शन को आप यू नो फैट एरो करके भी इस तरीके से भी कर सकते हो. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये फर्स्ट वाला तो चलो ठीक है, क्लिक मी टू कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड क्या हो गया ये जस्ट ओके. सो ये कुछ इस तरीके से टू होना चाहिए, कंट्रोल एस सेव है ना. मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ये जो क्लिक मी टू है इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा. देखो फर्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब मैं क्लिक मी टू पे क्लिक करूंगा आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग गाइस. आप देख सकते हो हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एंड द रीजन क्या है पता है. रीजन ये है कि जब आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, एंड ये आपका बाय द वे एक सेकेंड ना, ये आपका कहलाता है फंक्शन कंपोनेंट विद नेम्ड फंक्शन. ठीक है, ये लाइक आप नेम फंक्शन है, ये भी आपका नेम फंक्शन है बट इन इनलाइन वे. तो यहाँ पे तो आप उस फंक्शन का रेफरेंस गेट करके बाद में लाइक कॉल हो रहा है यहाँ पे, बट जब आप फैट एरो फंक्शन यूज करते हो ना देन गाइस आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. इस तरीके से आपको इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तभी जब आप इसको एक और बार रिफ्रेश कर एंड क्लिक करोगे तब जाके आपको ये मिलने वाली है. सो देखो एक और प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ गया, वो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ, बट फिलहाल के लिए इतने चीजों को मैं हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, हे आई एम ऑन क्लिक इवेंट, मुझे मेरा डेटा आ गया. ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक और एक चीज ऐड कर देता हूँ. देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक और चीज आप लोगों के लिए एकदम औसम तरीके से ऐड कर दिया, एंड दैट इज जब भी आप इस तरीके से नेम फंक्शन का यूज कर रहे हो, हम रेफरेंस पास कर रहे होते, यहाँ पे आप गलती से भी फंक्शन को कॉल मत कर देना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आप बिना बटन क्लिक करे ही ये फंक्शन जो ये ऑटोमेटिक चलता ही जाएगा. लाइक ये फंक्शन जो है देखो ऑटोमेटिक, एक बार रिफ्रेश कर दूं मैं, ये देखो ये ऑटोमेटिक चलता है, देखो आप देख रहे हो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता फॉर द वेरी फर्स्ट है, जो कि सही नहीं है. तो जब आप नेम फंक्शन यूज करो जस्ट आपको उसका रेफरेंस पास करना है, एंड जब आप इस तरीके से इनलाइन फंक्शन यूज करते हो बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज कर रहे हो, तब गाइस आपको इस तरीके से उसको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक कर रहे वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड जब वो कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है तो उसके बाद उसके अंदर जो चीजें हैं उसको भी तो हमें कॉल करने की जरूरत है, एंड वो फंक्शन तभी कॉल होता है जब आप उसका ये जो पैरेंथेसिस पास करते हो तब. इसलिए तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपको वो फंक्शन को कॉल नहीं करना है, यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना है. तो ये दो तरीके हो गए. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप नेम देखो फंक्शन कंपोनेंट विद नेम फंक्शन, जब आप इस तरीके से काम करते हो यू आर गोइंग टू गेट दिस सिंथेटिक बेस इवेंट बाय डिफॉल्ट फ्रॉम योर रिएक्ट एप्लीकेशन. बट जब आप इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यूज करते हो, है ना, मैं यहाँ पे चलता हूँ,
ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, देखो क्या आता है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टारगेट। क्यों मैं बताता हूँ, जब आप इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यूज करते हो देन गाइस रिएक्ट जो है आपको वो इवेंट जो सिंथेटिक बेस इवेंट था वो पास नहीं करता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि अगर मुझे वो चाहिए देन आई नीड टू एक्सप्लिसिटली खुद से मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा इस तरीके से। एंड बाय द वे अगर आप ऐसे करते हो तो तब जाके ये आपका काम करता है। एंड यहाँ पे नाउ यू आर गेटिंग पॉइंटर इवेंट कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। तो चीजें है बहुत सारी जो छोटी छोटी है बट आपको समझना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, चलो मैं और भी चीजें रख देता हूँ। एंड हियर आई हैव दिस पर्टिकुलर चीजें आपके लिए, जहां पे आई विल मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप खुद से इसको रीड करके पढ़िए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। मैं आपको तब तक थोड़ा और बताता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं, सेम वही बटन है एंड वही अनक्लिक है, यहां तक कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इनलाइन वो जो इवेंट वाला जो पास था मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ इवेंट, एंड यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग एंड देन इवेंट पास कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड जो समय मैंने आपसे एक चीज कही थी एंड दैट इज रिगार्डिंग यहाँ पे कि जब आप फैट एरो फंक्शन पास करो एंड देन अगर आपको इवेंट चाहिए होगा तब गाइस यहाँ पे आपको इवेंट इस जगह पे भी लिखना था, मैंने उस समय सिर्फ यहाँ पे लिख दिया था। तो मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे भी उसको पास कीजिएगा एंड देन यहाँ पे भी पास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, बट आपको यहाँ पे भी पास करना पड़ता है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये सेकंड वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर पहले हमें पॉइंटर इवेंट समथिंग आया था, नहीं आया, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि आना अपने को सिंथेटिक बेस इवेंट ही, क्योंकि रिएक्ट आपको यही प्रोवाइड करता है, इसलिए आप जब इस तरीके से यूज करो तो आपको इवेंट यहाँ पे पास करना है। अब ये इनलाइन वाले में आप जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा आप डायरेक्टली फंक्शन कॉल ना करके उस फंक्शन के अंदर आप जो चीजें पास लिख रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर वो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स योर इनलाइन इवेंट हैंडलर्स, जहां पे आप अगर मैं रिफ्रेश करूंगा देन इस पे अगर क्लिक करता हूं तो मुझे वही सेम डेटा आता है जो मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने पे मिल रहा था, ठीक है। और भी है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूं एंड दैट इज, देखा आप, मतलब आप देख रहे हो कि एक ही वीडियो में कितने सारे तरीके थे फंक्शन कंपोनेंट्स विथ इनलाइन एरो फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, सिंपल है ना, इनलाइन एरो फंक्शन, ठीक है, AAR इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं है। अरे काम करते पूरा ही लिख देते ना, ठीक है, उतना तो समझ में आ जाएगा। ऑन क्लिक यहाँ पे, अब इनलाइन एरो फंक्शन मतलब मैं यहाँ पे वापस से वो इनलाइन फंक्शन यूज करूँ, बट दिस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं ना तो कोई इवेंट इवेंट में डायरेक्टली यहाँ पे एक काम करता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ, है ना, मैं अलर्ट कर सकता हूँ ना, क्यों नहीं कर सकता। इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, इनलाइन एरो फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, हे आई एम इनलाइन इवेंट फंक्शन। तो मतलब आप डायरेक्टली इस तरीके से भी यहीं पर ही सारी चीजों को पास कर सकते हो। एंड वी हैव वन मोर थिंग एंड दैट इज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड कि पासिंग आर्गुमेंट्स टू इवेंट हैंडलर्स। अब ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है एंड यहाँ पे अब आपके माइंड में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमने सबसे पहले ये तरीका अपनाया था, राइट, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, अब इस जगह पे लेट्स इमेजिन मुझे एक फंक्शन चाहिए एंड फंक्शन का नाम होगा, हैंडल बटन लिखनी है, हैंडल क्या लिख सकते हैं, वेलकम यूजर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, हैंडल वेलकम यूजर, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सो कॉन्स्ट इस तरीके से मैं उसको डिफाइन करता हूँ, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कंसोल में वेलकम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या एक काम करता हूँ ना, विनोद किस लिए लिखना, हे यूजर्स वेलकम टू माय चैनल, है ना, वेलकम टू माय रिएक्ट सीरीज, कुछ इस तरीके से, राइट, मैं ये, चलो ठीक, इतना मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड एक बार इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो हे यूजर वेलकम, ठीक है, कुछ मुझे इस तरीके से आ गया जो कि सही है, बट लेट्स इमेजिन मुझे यूजर्स ना चाहिए, आई मीन यूजर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहां पे किसी का नाम चाहिए एंड मैं चाहता हूँ जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करे वो अपना नाम वहां पे लिख दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। एंड जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो, आर्गुमेंट मतलब जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तब वहां पे अगर आप कुछ भी चीज पास कर देते हो, लेट्स एग्जांपल मैं विनोद लिख देता हूँ इस तरीके से, राइट, अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा, ये देखो बाय डिफॉल्ट मुझे इस तरीके, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, देखो ना, बाय डिफॉल्ट मुझे ये आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये वाला जो तरीका है
ये तो मैं नहीं अपना सकता। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोल दिया था, बाय डिफॉल्ट ही आपका कॉल हो जाता है। एंड मुझे तो जब तक मैं बटन को क्लिक ना करूं तब तक ये कॉल मुझे नहीं चाहिए था। तो मतलब ये मैं नहीं कर सकता। एटलीस्ट अगर मुझे अपने फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करना हो, देन आई कांट यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये नेम फंक्शन वाला। तो अब मैं क्या करूं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट, इसको कमेंट कर रहा हूं। यहां पे गाइस वी नीड टू यूज फैट एरो फंक्शन नो मैटर व्हाट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब जब भी अगर ये फंक्शन कॉल होता है तो गाइस अब सिंपल हो गया। अब जब तक इस बटन पे क्लिक नहीं करेगा ये नहीं चलने वाला। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड क्लिक करूंगा तो स्टिल आई एम गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट, बट नाउ वी हैव वन पावर कि मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया। फंक्शन जब आप कॉल करते हो उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू पास करो, दैट इज योर आर्गुमेंट। एंड जब आप उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, हियर वी आर डिफाइनिंग आवर हैंडल वेलकम यूजर फंक्शन, एंड उसके अंदर कोई वैल्यू आप पास करते हो, नाउ दैट्स बिकम योर पैरामीटर। इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, एंड बहुत सारे लोग इसको इंटरचेंज, लाइक इसको पैरामीटर उसको आर्गुमेंट, या इसको भी आर्गुमेंट इसको भी आर्गुमेंट, इसको भी पैरामीटर इसको भी पैरामीटर। बट इन रियलिटी फंक्शन कॉल करते समय जो भी वैल्यू कुछ भी पास करो, डेट इज योर आर्गुमेंट। उसको जब आप डिफाइन या डिक्लेयर कर रहे हो उस समय जब आप पास करते हो, डेट इज योर पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे यूजर लिख देता हूँ। अब डायरेक्टली तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता इसको, लेट्स गो विद टेम्पलेट लिटरल्स, एंड इस पर्टिकुलर को मुझे अब डायनेमिक बनाना है तो मैं इस ऐसे कर दूंगा, एंड यहाँ पे यू स्मॉल हो जाएगा, एंड इट्स अ यूजर ओनली, राइट। सो हे जो भी मेरी वैल्यू होगी बस वेलकम लिख देते इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, हे विनोद वेलकम, कैसा लगा, है ना ऑसम। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस, इसी कोई कॉपी इसके नीचे पेस्ट, हे राम, राम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो हे राम वेलकम। आप देख रहे हो गाइस दिस इज द ब्यूटी, एंड मैंने आपको कितने सारे अलग अलग तरीके बताए कि फंक्शन का नाम कैसा होना चाहिए, उसका कन्वेंशन क्या है, जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो उसका कन्वेंशन क्या है, किस तरीके से आप फंक्शन बेसिकली इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हो इन रिएक्ट, कहाँ पे आप इवेंट पास कर सकते हो, कहाँ पे इवेंट आप पास नहीं कर सकते, कहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते, कौन कौन से तरीके जिससे आप फंक्शन डिफाइन बेसिकली इवेंट को डिफाइन कर सकते हो, तो वो सब कुछ आज इस एक वीडियो में मैंने आपको बताया। एंड आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। नाउ गाइस आपको इस वीडियो को अगर नहीं समझा एक और बार देखिए, एंड मेक श्योर आप नोट्स बनाए, तब आपको पता चल जाएगा एक एक चीज, अच्छा इससे ये हो रहा है इससे ये नहीं हो रहा है। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए, अभी तक आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशंस है, कुछ आपकी राय है कि मैं उसको फॉलो करूं, है ना, कि ताकि और बेटर हो, आपको और मजा आए वीडियो देखने में, तो प्लीज बताइएगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।